प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में संचालित विशेष बच्चों के स्कूल आस्था द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया। बच्चों ने कठिन परिश्रम से बनाए गए उत्पादों जैसे मोमबत्ती, चित्रकला व अन्य प्रकार का सजावटी सामान प्रदर्शनी में लोगों के अवलोकन व खरीदारी के लिए रखा गया। प्रधानाचार्य करम सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदर्शनी में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। बच्चों द्वारा बनाए गए उत्पादों को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उनकी प्रतिभा की भी खूब प्रशंसा की। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे जो हैं, उनसे हम लोग कैंडल्स मेकिंग का काम करवा रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का करवा रहे हैं और इनको ट्रेनिंग दी जाती है विशेष अध्यापकों के द्वारा। और ये जो भी चीज़ें दिवाली ओकेजन में बनाते हैं उसकी हम एग्जीबिशन लगाते हैं बाहर, और इससे जो है इन बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठी हो जाती है जो बाद में इनके पुनर्वास के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनके व्यक्तिगत पुनर्वास के लिए डोनेशन जो इकट्ठी होती है उन पर खर्च की जाती है। और उससे बच्चे जो हैं स्किल्स भी सीखते हैं, नए नए कौशलों का विकास होता है और कहीं ना कहीं ये लोग भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रदर्शनी के प्रति लोगों के उत्साह और प्रोत्साहन को देखते हुए दिव्यांग बच्चों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्कूल में उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया उसी के बलबूते वे ये उत्पाद बनाने में सक्षम हो पाए हैं। अभी दिवाली आ रही है तो हम उसमें बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं, बुके बना रहे हैं और वॉल हैंगिंग्स बना रहे हैं, और मैंने अभी श्री राम जी की पेंटिंग बनाई है। मैं दिवाली की तैयारी कर रहे हम, दिए बनाने शुरू कर रहे हम। निश्चित रूप से आस्था जैसे विशेष शिक्षण संस्थान उन दिव्यांग बच्चों व उनके परिवारों के लिए वरदान है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से ही दिव्यांग समाज की मूलधारा से जुड़ पा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। DD News के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। Thank you.